चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर गाइस, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। और सेफ ही रहना भाई, आजकल तो कोरोना इतना बढ़ता जा रहा है डेली। पहले एक टाइम था, मतलब आज से 2 महीने पहले अगर आप देखो तो पहले क्या होता था कि पूरे पूरे भारत में, पूरे इंडिया में एक 1000 केस आते थे। मतलब कोविड के पता चलता था कि आज 1000 केस आ गए तो 3 लोग मर गए, 6 लोग मर गए, ऐसे केसेस आते थे। आज की डेट में मतलब 80,000 केसेस, 80+83, मतलब एक नया रिकॉर्ड एवरी डे, एक नया ही रिकॉर्ड बनता जा रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। एंड दैट टू मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि जब कोरोना नया नया था ना, नया नया कहने का मतलब है कि जब स्टार्टिंग हुई थी इंडिया में, जब 1000 केसेस होते थे, 800 केसेस होते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोग बहुत सतर्क रहते थे। अब क्या है, लोग सतर्क ही नहीं रहते। मतलब अब पहले डरते थे कि यार कोरोना हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। अब लोग डरते ही नहीं है, अब सबको पता चल गया है कुछ भी होगा तो दूध हल्दी पीना है, काढ़ा पीना है, अश्वगंधा ये वो सब लेना है, विटामिन सी खाना है, और मशरूम, अभी रिसेंट में सुनने में आया कि मशरूम भी लो, मशरूम इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो ये सब लेने से आपकी हेल्थ और आपके जो अंदर की जो शक्ति होती है वो अच्छी बनी रहती है। तो ये सब चीज़ें लोगों को पता चल गई हैं, और जैसे लोगों को पता चल गया ना, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि मतलब लोग थोड़ा सा केयरलेस भी हो गए हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ मेरे आसपास में भी कि मास्क नहीं लगाते हैं, और जबकि पहले मास्क लगाते थे जबकि केसेस होते थे कितने, सिर्फ ऑल ओवर अगर आप बात करो तो ऑल ओवर इंडिया में केसेस होते थे 1000 केस हो गए, 500 केस हो गए, 800 केस आ गए। तो अब जब डेली के 1000 केसेस, 80,000 केसेस आ रहे हैं ना, तब लोगों का डर ही खत्म हो गया है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि 80,000 जब केसेस आ रहे हैं तो लोगों का डर क्यों खत्म हो गया है, क्यों नहीं सोचते हैं। अब एक्चुअली मैं तो गाड़ी में अकेले हूँ तो मैं मास्क निकाल भी सकता हूँ। अब बहुत टाइम हो गया था गाइज आप लोगों से कनेक्ट किए हुए, तो मैं भी सोच रहा था कि चलो कभी ब्लॉग बनाऊं, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड था बहुत सारी चीज़ों को लेके। फाइनली आज फिर वही पुराना, जो आपने बहुत मेरे पिछले ब्लॉग में अगर देखा होगा तो मैं पापा की दवाई लेने के लिए निकला हुआ था, तो वही अर्ली मॉर्निंग जाता हूं ताकि ज़्यादा भीड़ ना रहे और फटाफट दवाई लेकर आ जाऊं, क्योंकि कुछ प्लान्स भी हो रहे हैं। अब वो प्लान बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तो जल्दी वो प्लान्स के बारे में भी आपको पता चलेगा आगे आने वाले मेरे वीडियोस में। और कुछ ना कुछ तो पक रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो जाने की प्लानिंग हो रही है। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, कब तक जाते हैं, क्या प्लान होता है, किस तरह से होता है, तो वो तो चीज़ जब आएगी तो बताता हूँ आपको। तो फिलहाल तो जैसा कि मैंने बताया कि आज पापा की दवाई लेने के लिए निकला हुआ हूँ, तो पापा की दवाई लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फटाफट से चलते हैं, दवाई लेते हैं पापा की और फिर लेकर आते हैं, फिर बताता हूँ आपको आज की स्टोरी के बारे में। सुबह सुबह का टाइम है और कितने बज रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट मतलब 7:30 भी नहीं हुए, 7:15 हो रहे हैं। रोड पे थोड़ी बहुत चहल पहल देखने को मिल रही है, एंड दैट टू एवरीबडी इज़ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। अच्छी बात है, ट्रैफिक रूल तो सभी को फॉलो करना भी चाहिए यार। फटाफट से मास्क लगा लेते हैं, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो तो डू माइंड एवरीवन यार, बिना मास्क के कभी मत जाना। दवाई की पर्ची भी ले ली है, फटाफट से चलते हैं और फिर लेते हैं दवाई। दवाई लेके फटाफट से निकल गया, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि अगर आप नंबर पहले लगा देते हो ना तो क्या होता है कि आपको ना पहला नंबर मिल जाता है तो जल्दी काम हो जाता है। तो प्लानिंग से मैं आपको बता रहा था कि कुछ प्लान हो तो रहा है, अभी फुल डिसाइडेड नहीं है कि क्या करने वाले हैं। होपफुली अगर एग्जीक्यूट हो गया सब कुछ अच्छे से तो ज़रूर होगा और आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले ब्लॉग में। वैसे आप लोगों ने अगर देखा हुआ तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग मोरनी हिल्स जा रहे हैं, मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ हरियाणा भी कहने लग गए हैं अब उसको। पता नहीं पहले कहते थे कि नहीं कहते थे, बट अब तो कहते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई थी कल,
ये आपका मुरथल में 65 पीपल जो कि वहाँ पे वेटर हैं और जो काम करते हैं, देर 65 पीपल हु हैव बीन इन्फेक्टेड विद कोरोना पॉजिटिव, मतलब कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, दैट्स अ वेरी बिग थ्रेट, क्योंकि मुरथल में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है आज की डेट में भी कि यू कांट इमेजिन। डेली में ना ये जो स्पीड है ना ये मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं दी एंड, और होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं थी बट हाँ कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। तो मिलते हैं इसी के साथ आपको अगले ब्लॉग में, टिल द टाइम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, टिल द टाइम बाय बाय।